हेलो फ्रेंड्स, सो हम लोग बॉन्ड रिफंडिंग में ये सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत इजी है, देखो कैसे। एबीसी लिमिटेड हैज रुपीज 300 मिलियन, 12% बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग विथ 6 ईयर्स रिमेनिंग टू मैच्योरिटी। अभी 6 ईयर्स ही बाकी है मैच्योरिटी को, लेकिन इसमें भी कंपनी सोच रहा है रिफंडिंग करना नहीं करना है इनको, क्योंकि एडवाइस करना अगर एनपीवी जैसे लास्ट समय किया था। सिंस इंटरेस्ट रेट्स आर फॉलिंग, ओके, एबीसी लिमिटेड इज कंटेम्पलेटिंग और रिफंडिंग दिस बॉन्ड्स विद ए रुपीज 300 मिलियन इशू ऑफ 6 ईयर बॉन्ड्स कैरिंग ए कूपन। अभी का प्रेजेंट 12% है, इन लोग को रिफंडिंग में रिफंडिंग करके फ्रेश इशू कितने का करना है 10%। लेकिन ऐसे थोड़ी मानेंगे, कोई भी रिफंडिंग करने के लिए रेडी रहेंगे कि नहीं, ये लोग कुछ एक्स्ट्रा कॉल देंगे, कॉल प्रीमियम यहाँ पे देगा। इशू कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड 6 मिलियन है और कॉल प्रीमियम कितना है 4%, ओके, कॉल प्रीमियम 4% है। 9 मिलियन बींग द अनअमोर्टाइज पोर्शन ऑफ द इश्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, ओल्ड बॉन्ड्स का अनअमोर्टाइज पोर्शन इतना है तो इसका हम लोग को टैक्स सेविंग होगा। कैन बी रिटर्न ऑफ अनअमोर्टाइज पोर्शन ऑफ इश्यू कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, ये अनअमोर्टाइज पोर्शन है, यानी इसका हम लोग को सीधा 40% कितना टैक्स रेट है लास्ट समय 40 था, अभी 30% टैक्स सेविंग होगा, ओके। यानी इसमें हम लोग को मैच्योरिटी भी नहीं दिया था तो हम लोग डिवाइड भी नहीं कर सकते, लेकिन अमाउंट कैलकुलेट कर दिया और नए बॉन्ड का कॉस्ट भी दिया, कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड, और ये अनअमोर्टाइज वाला है पोर्शन जो हम लोग लास्ट समय भी किए थे। इसमें सूनर ही नो सूनर द ओल्ड बॉन्ड्स आर कॉल्ड ऑफ रिटर्न ऑफ बोलते हो, इसमें 2 मंथ्स ओवरलैपिंग नहीं है जैसे लास्ट समय था, ऐसा कुछ नहीं है। 30% है, यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन, एनालाइज करो बोल रहे हैं कि करना नहीं करना कंपनी के लिए ठीक है नहीं है। एनपीवी पॉजिटिव आया तो करेंगे बोलेंगे, नहीं आया तो नहीं करेंगे बोलेंगे, ओके। तो हमारे वही 5 स्टेप्स कर लेंगे फटाफट। स्टेप 1, इनिशियल कैश आउटफ्लो, इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना है स्टूडेंट्स, कॉल प्रीमियम, इन बोला क्वेश्चन में बोला प्रेजेंट ऑल अमाउंट्स इन रुपी मिलियन, तो ऊपर हेडिंग में रुपी मिलियन डाल देंगे, यानी पूरा मिलियन में रखो बोला, ठीक है। कॉल प्रीमियम कितना पे करना है हमारे को, 300 मिलियन का, 300 मिलियन का 4%, तो कितना होगा 300 का 4% ही करो, मिलियन में ही रखना है ना आंसर, तो 300 का 4% तो ओरली हो जाएगा 12, लेकिन इनर कॉलम में लिखो, लेकिन बिकॉज इसमें टैक्स सेविंग है, टैक्स सेविंग एट द रेट ऑफ 30%, तो कितना 12 3 36 3.6 मिलियन इसमें से जाएगा, तो 12 - 3.6 ऐसे आता है, हम लोग ओरली कर सकते हैं बट कभी मिस्टेक हो जाता है गड़बड़ में, तो कैलकुलेटर पे कर लेना बेटर है। हाँ, कॉल प्रीमियम हो गया, उसके बाद में टैक्स सेविंग, सॉरी ये अपना फ्लोटेशन कॉस्ट हम लोग को देना है, फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड कितना लग रहा है हमारा, न्यू बॉन्ड 6 मिलियन वो भी आउटफ्लो होगा, और टैक्स सेविंग ऑन अनअमोर्टाइज बॉन्ड, ऑन अनअमोर्टाइज पोर्शन ऑफ इश्यू कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड कितना 9 मिलियन दिया, 9 मिलियन का कितना परसेंट टैक्स सेविंग 30%, 9 3 27 2.7 मिलियन ये सेपरेट हो जाएगा, ओवरलैपिंग इंटरेस्ट नहीं है हमारे को ये सब में, तो 8.4 + 6 - 2.7 11.7 मिलियन, ठीक है। ऊपर हेडिंग में ऑलरेडी है हमारा, ये इनिशियल कैश आउटफ्लो है, स्टेप 1। स्टेप 2, अब एनुअल कैश आउटफ्लो ऑफ ओल्ड बॉन्ड, एनुअल कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड और न्यू बॉन्ड निकालेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इंटरेस्ट कितना देना है, इंटरेस्ट 300 मिलियन पे पुराना कितना दे रहे थे हम लोग, 12% पे दे रहे थे,
तो 36 ट्वेल्व थ्री से 36 ना, उसमें टैक्स सेविंग है 30%। 30% कितना होता, 36 इंटू 30% 10.8, सब्ट्रैक्ट करो 25.2 मिलियन। और क्या लग रहा है हमारे को, अमोर्टाइज पोर्शन, तो टैक्स सेविंग ऑफ इश्यू कॉस्ट कितना, 9 मिलियन पे, तो ये कितना, कितने साल का लेंगे टैक्स सेविंग, छह साल आउटस्टैंडिंग है ना, तो 9 मिलियन डिवाइड बाय 6 इयर्स करेंगे, क्यों तो ये कितने साल आउटस्टैंडिंग है अभी, हाँ ये आउटस्टैंडिंग का ही है, कि जितने भी साल आउटस्टैंडिंग है उसी का दिया क्या, क्वेश्चन में, हाँ यस यस 6 साल का ही है, कैसे मालूम, ये 25 साल का था इसलिए तो हमने वो तो 6 साल का ही था इसलिए 30% डायरेक्ट किया, तो इसमें 6 साल का, तो 1 साल का निकालना है एनुअल कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट कितना बाई 6 इंटू 30%, सो 9 डिवाइड बाई 6 इंटू 30% 0.45 मिलियन, ये सबट्रैक्ट होगा माइनस 25.2, यानी 24.75 एनुअल कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड है। स्टेप 3, एनुअल कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड, उसका इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं हम लोग, 10% दे रहे हैं, उस पर भी टैक्स सेविंग है, इंटरेस्ट 300 मिलियन का 10%, 30 मिलियन टैक्स सेविंग एट द रेट ऑफ 30%, 9 मिलियन 21 मिलियन, और इसमें भी टैक्स सेविंग ऑन फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ इश्यू कॉस्ट, इसमें फ्लोटेशन बोल के वर्ड यूज नहीं किया, ठीक है, इश्यू कॉस्ट 6 मिलियन डिवाइड बाई 6, 6 साल के लिए इंटू 30% टैक्स सेविंग, तो 1 का 30% कितना होगा, 1 मिलियन का इंटू 30% 0.3, 21 माइनस 0.3 20.7 मिलियन। अब एनुअल सेविंग कितना हो, फिर एनवीयू निकालेंगे, एनुअल सेविंग, एनुअल सेविंग कितना है, तो 24.75 माइनस 20.7 4.05 मिलियन, ओके ये रुपीस, ये मिलियन। अब क्वेश्चन में हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना, उसके लिए कॉस्ट ऑफ डेट चाहिए ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल सेविंग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल सेविंग्स कितना, 4.05 का प्रेजेंट वैल्यू एनिटी फैक्टर, कितने साल का, 6 साल का लिया, लेकिन क्या परसेंटेज क्वेश्चन में दिया क्या, कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, सो आई थिंक क्वेश्चन में मेंशन किया क्या, हाँ वो 7% का ना, 6 साल का कुछ दिया होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, बट ये एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था ना, 7% का कॉस्ट ऑफ डेट बोल के उसका पीवी फैक्टर दिया है, तो हम लोग कर लेंगे, सो 1 डिवाइड बाई 1.07, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रैंड टोटल 4.766, तो 4.766 सॉरी 7% करना है, तो कितना आ रहा, 4.05 का
4.766, तो 4.05 इंटू 4.766 इतना मिलियन का हम लोग को 19.30 मिलियन का सेविंग हो रहा है। तो एनपीवी कितना, लास्ट स्टेप स्टेप फाइव अगर पॉजिटिव आया तो हम लोग कर लेंगे एनपीवी। एनुअल सेविंग कितना हो रहा है, ज़्यादा ही हो रहा है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल सेविंग रुपीज़ 19.30 मिलियन और इनिशियल कैश आउटफ्लो माइनस करना है। इनिशियल कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू रुपीज़ 11.7 मिलियन, तो कितना 7.60 का नेट प्रेजेंट वैल्यू ये आया, तो पॉजिटिव आया। तो बॉन्ड रिफंडिंग इज, बॉन्ड शुड बी रिफंडेड। डिसीजन हम लोग क्या देंगे, डिसीजन देंगे बॉन्ड शुड बी रिफंडेड या बॉन्ड रिफंडिंग इज बेनिफिशियल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।